हेलो दोस्तों, टेक्निकल वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अलाउद्दीन। आज की वीडियो में बताऊँ कि आप अपने नाम का 3D टेक्स्ट बना के PNG इसको कैसे बना सकते हैं। दोस्तों बहुत आसानी से बना सकते हैं, आप अपना मोबाइल से बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा, थोड़ा सा स्किप ना करें। आप 3D टेक्स्ट बना के अपने नाम का उसको फिर PNG बना सकते हैं दोस्तों बहुत आसानी से। इसके लिए आपको मोबाइल को हम स्क्रीन पर लेकर चलते हैं दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है पिक्सल लैब। देखिए ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है पिक्सल लैब, आपको 3D टेक्स्ट बनाने के लिए और उसको PNG बनाने के लिए। दोस्तों इस अब एक ही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद चलिए बैक चल जाते हैं। इसको चल 3D टेक्स्ट कैसे बना सकते हैं और इसको PNG कैसे बना सकते हैं बता देता हूँ। इसके लिए पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपको ये टेक्स्ट देख रहे हैं इसको डिलीट करना है। देखिए ऊपर में डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है, आपको उस पर टच करना है, बट ओके कर देना है। ये टेक्स्ट डिलीट हो चुका है। इसके बाद फिर देखिए नीचे ए में ए लिखा हुआ है दोस्तों, इसके उस पर टच करना है आपको। उस पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए नीचे फिर टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, उस टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है दोस्तों। इस टेक्स्ट को आपको दो बार क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से अपना नाम लिखना चाहते हैं या किसी का नाम लिखना चाहते हैं या अपना चैनल का नाम लिखना चाहते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। चलिए मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ, अलाउद्दीन अलाउद्दीन, ठीक है। इसके बाद देखिए इसे ओके कर देते हैं। इसको हम 3D टेक्स्ट बनाना है हमको, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको साइज बड़ा कर लेते हैं जो अच्छा लगे थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, नीचे देखिए इसको स्लाइड करना है इस तरह से। यहाँ से आप इसको फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ फॉन्ट का ऑप्शन मिल रहा है, फॉन्ट पे टच करना है आपको। फॉन्ट पे टच करने के बाद आपको नीचे चल जाना है, बहुत सारा फॉन्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कोई सा फॉन्ट लगा सकते हैं। चलिए मैं किसी एक फॉन्ट को ले लेता हूँ। चलिए इस फॉन्ट को हम ले लेते हैं। इस फॉन्ट को टच करने के बाद आपको इसको थोड़ी थोड़ा बड़ा हो चुका है, इसके लिए आपको छोटा करना होगा। चलिए चलिए ठीक हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको 3D टेक्स्ट बनाना है। इसको 3D टेक्स्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे 3D टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर टच करना है, इस पर टच करना है। इसके बाद इसको एनेबल कर देना है, ऑन कर देना है। उसके बाद एनेबल ऑन करने के बाद देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा जितना जैसे करना चाहते हैं वैसा कर सकते। चलिए मैं इतना रहने देता हूँ। इसको फिर थोड़ा नीचे चल जाना है, देखिए इसका थोड़ा कलर चेंज हो चुका है। इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, कुछ यहाँ से ओके कर देना है। यहाँ से देखिए ओके करने के बाद आपको देखिए यहाँ से बहुत सारा शेडो लगा सकते हैं, 3D रोटेट कर सकते हैं। बस कुछ आपको उसका कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, वो इनर शेडो पर है उस पर टच करना है। इनर शेडो पर टच करने के बाद इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद यहाँ से जो कलर चॉइस करना चाहते हो चॉइस कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से ब्लू ले लेता हूँ। ब्लू लेने के बाद आपको क्या करना है, नीचे चल जाना है। इसको देखिए किस तरह से करना है, तो फिर इस तरह से आपको करना है, उसको फुल करना है। ये देख 3D टेक्स्ट बन चुका है, इसको हो चुका है दोस्तों। इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, इसके बाद करना क्या आपको, देखिए यहाँ पे ओके कर देना है। इसको ओके करने के बाद आपको देखिए कुछ नहीं करना है आपको। देखिए सबसे इधर देखिए डब्बा का आइकॉन मिल रहा है, उस डब्बा पे टच करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट इस लिखा है, ट्रांसपेरेंट पर टच करना है। देखिए यहाँ पे इस पर टच करना है। देखिए ये टेक्स्ट PNG बन चुका है। इसको आपको सेव करने के लिए ऊपर में मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, उस पर टच करना है। उस पर टच में सेव बस इमेज लिखा है, उस पर टच करना है। ये इसके बाद जितना क्वालिटी में सेव करना चाहते हैं, अल्ट्रा हाई मीडियम जितना भी सेव कर सकते। चलिए मैं अल्ट्रा में सेव कर लेता हूँ। ये हमारा टेक्स्ट PNG बन चुका है दोस्तों। इस तरह से आप टेक्स्ट को PNG बना सकते हैं। इसके बाद आप अपने टेक्स्ट को कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं। समझ चुके दोस्तों किस तरह से PNG लगाना है। चलिए एक बार पिक्सल लैब को ओपन करके हम दिखा देते हैं कि आपका टेक्स्ट PNG बना है कि नहीं। इसके लिए पिक्सल लैब ओपन कर लेते हैं, इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसको इस टेक्स्ट को हम डिलीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कोई से फ़ोटो लेते हैं अपना क्लियर से,
आपको एक फ़ोटो लेते हैं। चलिए मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ। इस फोटो को लेकर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए हो चुका है। इसके बाद आपको करना क्या है, इसे फिर प्लस ऊपर देखिए उसको टच करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद जो हम टेक्स्ट को PNG बनाए थे उस टेक्स्ट को यहाँ पर ले लेते हैं। यही टेक्स्ट है दोस्तों, टेक्स्ट को PNG बनाने के लिए। देखिए ये टेक्स्ट PNG बन चुका है, आप कहीं पर इसको भी सेट कर सकते हैं। इस तरह से टेक्स्ट आपका PNG बन चुका है। इसके बाद फिर इस तरह से कहीं भी अपने फोटो में 3D टेक्स्ट बना के PNG लगा सकते हैं। अपने टेक्स्ट को नाम लिख 3D टेक्स्ट बना के PNG बना सकते हैं और अपने फोटो में एड कर सकते हैं। आप जान चुके हैं दोस्तों किस तरह से आपको 3D टेक्स्ट बनाना है दोस्तों, और इसको PNG कैसे बनाना है उसको जान चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताएं दोस्तों कैसा लगा वीडियो। और सब्सक्राइब, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल के आइकन है दोस्तों वो भी दबा दें। इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी न्यू वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।